नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं संस्कृति जैन। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। भवानी मंडी सीएचसी परिसर में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के एल पटेरिया के निर्देश पर आशा सहयोगिनी की पोलियो महाअभियान के तहत मीटिंग आयोजित की गई। LHG राजेंद्र कुमार ने बताया कि आगामी नसबंदी व रूटीन इम्यूनेशन टीकाकरण को लेकर आयोजित बैठक में पोलियो टीकाकरण हेतु बूथ बनाए जाने व सभी बच्चों के टीकाकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर KL पटेरिया, LHV राजेंद्र कुमार, नर्सिंग अधीक्षक ओम प्रकाश पाटीदार, कंप्यूटर ऑपरेटर यश अजमेरा समेत सभी आशा सहयोगिनी मौजूद रहे। भवानी मंडी में विवाह की वर्षगांठ पर पति पत्नी दोनों ने नेत्रदान का संकल्प किया। प्रसिद्ध पान व्यवसायी मनीष पोरवाल एवं उनकी धर्मपत्नी दीपिका पोरवाल दोनों ने अपने विवाह की 10वीं वर्षगांठ पर नेत्रदान का संकल्प किया। भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी एवं शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश दलाल ने बताया कि दोनों पति पत्नी ने ऑफिस आकर नेत्रदान का संकल्प किया और आगे भी और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने की बात बताई। पचपाड़ रोड स्थित पान व्यवसायी मनीष पोरवाल एवं धर्मपत्नी दीपिका पोरवाल के अनुसार वह भवानी मंडी के नेत्रदान कार्यक्रम से काफी प्रभावित है और काफी समय से दोनों नेत्रदान का संकल्प लेना चाह रहे थे। विवाह की 10वीं वर्षगांठ पर अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ दोनों ने यह संकल्प लिया। मनीष ने आगे बताया कि सबसे पहले दोनों मंदिर गए एवं भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद दोनों ने नेत्रदान का संकल्प किया। हमारी शादी की सालगिरह है और मैं सबसे पहले शाइन इंडिया फाउंडेशन वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और यहां पर जो टीम वर्क कर रही है नेत्रदान की, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं अपना जो संकल्प था वो पूरा कर सका। मेरा नाम मनीष पोरवाल, आज हमारी शादी की 10वीं सालगिरह है। बहुत दिनों से मेरे मन में नेत्रदान का जो संकल्प चल रहा था वो आज पूरा हुआ। आज मैंने और हमारी श्रीमती ने दोनों ने मिलकर कल ऐसी चर्चा करी कि इस नेत्रदान का जो संकल्प है, मैंने ऐसे उसको मजाक में कही तो उसने भी मेरी बात को अच्छे तरह लिया और कल से वो मेरे पीछे पड़ी, आपने फार्म भरा कि नहीं भरा। भवानी मंडी में वार्ड नंबर 31 में कांग्रेस कार्यालय का हुआ शुभारंभ। पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा ने फीता काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, नेता प्रतिपक्ष हरीश राठौड़ आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 30, 31 और यहाँ के जितने भी हमारे जो हैं आदरणीय बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो ये आज आप सब लोगों ने जो उत्साह कांग्रेस परिवार के प्रति जो उत्साह दिखाया तो वाकई में तारीफ काबिल। और जो नौजवान दोस्तों का जो यहाँ पे चाहते हैं, आप सबकी मंशा है कि भवानी मंडी में कांग्रेस का बोर्ड बैठे। मंच पर उपस्थित मेरे सभी आदरणीय कांग्रेस के साथियों और बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, भवानी मंडी नगर पालिका ये स्थिति हो गई है कि आज एक गरीब व्यक्ति, दलित व्यक्ति, अल्पसंख्यक परिवार के व्यक्ति, इन लोगों में एक दहशत रहती है कि हम जो है इस नगर पालिका में जाएं कि नहीं जाएं। भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका में वोट में जाने में दहशत रहती है। बहुत विचार करने वाली बात है, हम सबको ये विचार करना चाहिए कि आज जो है, आज जो कांग्रेस पार्टी ने जो आपके सामने उम्मीदवार उतारे और जिन उम्मीदवारों को आपकी सलाह पे टिकट दिया है, जो आप पूरा कांग्रेस परिवार आपके बीच में यहाँ बैठा है, भवानी मंडी का और हमारे आसपास क्षेत्र का सभी हम साथी आपके बीच में, हम हाथ जोड़ के आपसे एक अपील करने आए कि आज हर व्यक्ति अपेक्षा रख, सभी परिवारों में सभी लोगों को स्वच्छ और सुलभ शौचालय उपलब्ध है, ये लिख के दिया हुआ है। ODF है ना, ये लिख के दिया हुआ सरकार को, सरकार के रिकॉर्ड में ये पता है कि भाई ये जो है भवानी मंडी ODF है, यहाँ पे सारी सभी लोगों को सुलभ शौचालय मुफ्त जो व्यवस्था है। परंतु आज जब इस यहाँ पे ये चीज देखने को आई तो ये बड़ा दुख होता है इस बात का कि आज हमारे जो लोग हैं, हमारे लिए काम करेंगे,
हर व्यक्ति ये कि हमको कहीं ना कहीं रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगार हम नहीं घूमे। माँ बहन बेटियां ये विश्वास रखती है कि आज जो है हम सब का सम्मान हो। आज कोई भी व्यक्ति जो है एक अंतिम परिवार का व्यक्ति जो इस मोहल्ले के आखिरी परिवार में जो गरीब व्यक्ति निवास करता है वो ये विश्वास रखता है कि ये जो पार्षद बनेंगे ये लोग सरकार की योजनाओं को हमारे घर तक लेके आएंगे। दिल्ली में और जयपुर में बैठ के कानून बनते हैं, दिल्ली जयपुर की सरकारें कानून बनाती है, नियम बनाती है, परंतु भवानी मंडी की नगर पालिका का जो चेयरमैन वार्ड पार्षद उन कानून को उस गरीब के घर तक ले जाता है, ये उसकी जवाबदारी है कि सरकार की चीजें जो सरकार ने जनता को सुविधा उपलब्ध कराई है वो चीजें उस गरीब के घर तक पहुंचती कि नहीं पहुंचती। एक रुपए किलो अनाज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, चावल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, चीनी पहुंची कि नहीं पहुंची, खाद्य सुरक्षा में उसका नाम वास्तविक आदमी का नाम है या नहीं है, पेंशन उस परिवार को मिलती कि नहीं मिलती है, उस परिवार को सरकार की सहायता मिलती कि नहीं मिलती है, ये सारी चीजें की जवाबदारी हमारे स्थानीय नेताओं की, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होती है जो उस गरीब के घर तक पहुंचावे, आप तक पहुंचावे, जरूरतमंद तक तो पहुंचावे। और उसकी ये जवाबदारी हम सबकी कि सुख दुख में आपके बीच में खड़े रहे, सुख दुख में आपके बीच में खड़े रहे कि आपकी बात करें, आपके विकास की बात करें, आपके सुख दुख की बात करें, आपकी सहायता की बात करें, आपके गली मोहल्ले में जो है कहाँ नाली है कि नहीं, कहाँ सड़क है कि नहीं, कहाँ लाइट है कि नहीं, कहाँ सुलभ शौचालय है कि नहीं, ये सारी चीजें जो है ये हम लोगों की जवाबदारी, इसलिए हम वार्ड पंच या वार्ड पार्षद बनाते हैं और वो वार्ड पार्षद की जवाबदारी होती है नगर पालिका में बैठ के इस वार्ड की वकालत करें कि हमारे 31 नंबर वार्ड में इन चीजों की कमी है कि उस वार्ड पार्षद की। तो यही चीज जो है हम आपके बीच में पूरा कांग्रेस परिवार बैठा है, आपको ये भरोसा दिलाने आए कि पूरा कांग्रेस परिवार आप लोगों के साथ में है, आपके विकास के लिए खड़े हैं, सुख दुख में खड़े हैं, आपकी जरूरत के लिए खड़े हैं। आप हमारे यहाँ से वार्ड नंबर 31 से जो राकेश भाई को आप जिता के भेजेंगे, हम राकेश भाई को हर तरह से मदद करके सरकार की सहायता आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। रायपुर क्षेत्र के सोयला से कुटकी रायपुर चौराहा तक रोड बना हुआ है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आज भारतीय किसान संघ ग्राम पंचायत सोयला के प्रभारी लोकेश शर्मा की अगुवाई में क्षतिग्रस्त रोड का निरीक्षण किया गया। सड़क निर्माण के नाम पर ठेकेदार ने बरसात के तुरंत बाद जेसीबी के द्वारा पूरे रोड को खुदवा दिया था, लेकिन अब तक भी रोड का निर्माण नहीं कराया गया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षतिग्रस्त मार्ग पर आए दिन वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, साथ ही लोगों के वाहन भी जर्जर हो गए हैं। भारतीय किसान संघ के जिला प्रचार प्रमुख मुकेश मेहर ने बताया कि इस संबंध में PWD JEN राम प्रसाद मीणा से बात की गई। उन्होंने 15 दिन के अंदर सड़क निर्माण कार्य चालू करने का आश्वासन दिया। समय पर कार्य पूरा न होने पर भारतीय किसान संघ पिड़ावा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। इस दौरान पड़ासली ग्राम समिति अध्यक्ष बजरंग लाल टेलर, सोयली समिति से भेरूलाल गुर्जर, सोयला ग्राम समिति अध्यक्ष गुलाब चंद शर्मा, विक्रम सिंह, हरि सिंह, नंदकिशोर पाटीदार, राम गोपाल सुमन, कैलाश शर्मा डीलर आदि उपस्थित रहे। पंचायत के सोयला से जो रोड कुटकी चौराहे तक आ रहा है उसकी जो भी जेसीबी से खुदाई की है और अभी तक कोई मरम्मत नहीं की गई उसमें, और बहुत दिक्कत आ रही है सभी को निकलने में। जैसे एक्सीडेंट का खतरा है, हमारे गांव में अभी एक गिर भी गया था बाइक से और उसके लग गई है, और ठेकेदार को जल्द से जल्द सुनवाई करनी चाहिए, जो भी ठेकेदार है रोड का उसको सुनवाई करनी चाहिए इसकी। खानपुर क्षेत्र के दरा अरनिया स्टेट हाईवे सीमलखेड़ी गांव के समीप ईंटों के भट्टे के पास दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में दो व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार खानपुर थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे 74 पर सीमलखेड़ी गांव के समीप तेज रफ्तार दो बाइक आमने सामने भिड़ गई, जिसमें पिपलाज निवासी ज्ञानचंद सुमन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे गंभीर घायल खानपुर थाना क्षेत्र के डूडी गांव निवासी सुरेश कालबेलिया को खानपुर थाना पुलिस गंभीर हालत में खानपुर CHC लाई, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी है। पिड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ में सोयल हेल्थ कार्ड योजना के तहत एक दिवसीय कृषि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में सहायक कृषि अधिकारी संजय कुमार दांगी ने सोयल हेल्थ कार्ड योजना की जानकारी दी।
साथ ही संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्रबंधन करके मृदा को उपजाऊ रखकर अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए, इस विस्तार से जानकारी दी। कृषि पर्यवेक्षक उद्यान दिनेश कुमार दांगी ने वर्तमान में लहसुन, प्याज, धनिया, कलौंजी आदि फसलों में लगने वाले कीट व्याधियों के लक्षण की पहचान व रोकथाम के उपाय बताए, साथ ही जैविक खेती की विस्तार से चर्चा की। कृषि पर्यवेक्षक कमलेश दांगी ने किसानों का पंजीयन कर कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। कृषक प्रशिक्षण में 50 किसानों ने भाग लिया। रायपुर तहसील क्षेत्र की फतेहगढ़ ग्राम पंचायत से खेजरपुर गांव तक बनने वाली डामर सड़क का निर्माण कार्य बंद होने की वजह से राहगीरों एवं ग्रामीण गांव वासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड पंच सत्यनारायण दांगी, भारतीय किसान संघ युवा प्रमुख महेश मेहर, दुधालाल दांगी आदि ने बताया कि सरकार ने 18 जनवरी से विद्यालय खुलने से छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए फतेहगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाना पड़ रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा मार्ग और डलवाए गए बड़े बड़े पत्थरों के कारण मार्ग पर चलना दुभर हो रहा है। खेत पर आने जाने वाले किसान एवं पशुपालकों तथा आवश्यक कार्यों के लिए पंचायत मुख्यालय पर जाने वाले ग्रामीणों को बड़ी परेशानी हो रही है। ग्रामीण पत्थरों में गिरकर घायल हो रहे हैं। इसकी सूचना कई बार ठेकेदार को दी गई, लेकिन ठेकेदार की उदासीनता के कारण ग्रामीणों के लिए आफत बनी हुई है। निवेदन है फतेहगढ़ से ग्राम खेजरपुर के लिए रोड बन रहा है, इस पर बारी बारी बोर्डल डाल रखे हैं। वहाँ स्कूल खुल गया, बच्चे बच्ची को जाने में भी बहुत समस्या है। वहाँ गेहूँ मिलते तो बूढ़े ठाड़े लोग जाते हैं, उनको भी भारी समस्या है, मोटरसाइकिल नहीं निकलती है। जानवर जाते हैं कूड़ा पावा पे तो उन बोल्डर को पैरों में घीतते हैं, तो जानवरों को भी भारी समस्या है। वहाँ सहकारी समिति है, सहकारी समिति में भी लोग जाते हैं तो उनको भी बहुत हर प्रकार की समस्या है। इसलिए कृपया निवेदन है, इस रोड की निवेदन करके ठेकेदार से बात करके जल्दी से जल्दी इस रोड को कंप्लीट करवाया जावे, क्योंकि इतनी भारी समस्या है। हमने ठेकेदार से भी 2-3 दफ़े सूचना दी, वो कहता है बनाएंगे, 4 महीने हो गया लगभग, कब बनाया जाएगा, बहुत गहरी समस्या है। तो इस पर आपको ध्यान दर के इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जा। ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ के टिकटिकिया गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा कथावाचक पंडित रमेश चंद्र तिवारी के मुखारविंद से श्रद्धालुओं को सुनाई जा रही है, जिसके चलते शुक्रवार कथा में श्री कृष्ण जन्म उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कृष्ण जन्मोत्सव में महिला और पुरुष में भक्ति में लीन हो गए। ग्रामीण गंगाराम सिसोदिया ओंकार लाल सेठ ने बताया कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी अच्छी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने आ रहे हैं। पिड़ावा क्षेत्र के कोटड़ी गांव में मां सरस्वती मूर्ति स्थापना व जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन सरपंच हरिराम गोचर द्वारा किया गया, जिसमें कन्या का भी निःशुल्क विवाह करवाया गया। सरपंच का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर आयोजित सरस्वती मूर्ति स्थापना कार्यक्रम के तहत पूरे गांव में मां सरस्वती की कलश यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। इसके बाद दोपहर 2 बजे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में जिला प्रमुख प्रेमबाई दांगी, प्रधान सीता कुमारी, पूर्व उप जिला प्रमुख भागचंद दांगी सहित पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों सरपंचों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के तहत की गई एक कन्या का भी निःशुल्क विवाह करवाया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रमेश दांगी, सुनेल मंडलाध्यक्ष अशोक दुबे, बाल किशन जमींदार जुगल गोचर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। शुरुआत करते हैं मालवा क्षेत्र की खबरों की। भानपुरा तहसील के नायब तहसीलदार रामकृष्ण अहिरवार एवं 4 पटवारियों पर खनन माफियाओं द्वारा हमला किया गया। भानपुरा तहसील के कालाकोट गांव में अवैध खनन की सूचना पर राजस्व टीम पहुंची थी। हमले में राजस्व टीम के कुछ लोग घायल हो गए हैं और चोटिल हो गए। भाजपा विधायक देवीलाल धाकड़ का गांव है कालाकोट। पथराव के दौरान पुलिस के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को नामजद एवं 20 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया। जानकारी के अनुसार पहले भी इस जमीन का विवाद 2003 में चल रहा था। प्रकरण कलेक्टर के पास पहुंच चुका था, आदेशित कार्यवाही बाकी थी। अभी विवाद का कारण जानना चाहा तो पता चला कि वहां जो गड्ढा हो रहा है उसमें 30-40 परिवार के लोग लगकर खुद ही मिट्टी डाल रहे थे। तभी राजस्व विभाग की कार्यवाही करने पहुंचे पटवारी और तहसीलदार से बहस हुई और मारपीट शुरू हो गई।
मारपीट व पथराव से पुलिस वाहन व राजस्व वाहन दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ पुलिस कर्मचारियों को भी चोटें आई है। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को नामजद और 20 लोगों को आरोपी बनाया है। क्या हुआ कहीं आई जीप, एक बोते तहसीलदार की ना पाचे निकाल तो जीप पर तो आयो का तो यहाँ खड़ी करू नहीं भी नहीं पूछी माँ कि भाई कहीं समस्या है। वहाँ जान ट्रैक्टर आ रहे थे तो नी मिट्टी को बरान उनका आड़ा फरिया उनको मोबाइल भी छीन लियो ड्राइवर के थापड़ो अपना दिए अतरे फिर ये पाचों चौहार चो चल गया जो अना ना काउ कर भाग लिया यो वहाँ तो यो हो। फिर बाद में पुलिस वाला गई, पुलिस वाला ने भी यहाँ छेनी की जमकी दी, नहीं तो हमारा गांव में चौकीदार तहसीलदार साहब यहाँ पकड़ने आए थे ट्रैक्टर वैक्टर, तो इसकी जानकारी मेरे को सुबह मिली और सुबह को जो रात में लड़ाई झगड़ा या कुछ खतरा हुआ तो इसलिए साहब ने बोला कि गाड़ी वहाँ से गया ना, तो मैं सुबह से नहीं आया हूँ। सुबह मैं पटवारी आपको किसी प्रकार की कोई सूचना वगैरह सूचना पकड़ने आए थे? पकड़ने आए तो मेरे को रात में सूचना मिली थी, रात में तो 12-1 बजे बाद मिली सूचना। अच्छा, ये घटनाक्रम होने के बाद? हाँ, घटनाक्रम होने के बाद ये 11-12 होगा। हाँ, 12-1 के आसपास होगा। हाँ, क्या नाम है? विजय कुमार ध्रुव। कौन सा हल्का? पटवारी हल्का नंबर 44 कालाकोट। रात्रि कल रात्रि 10 बजे कालाकोट से नायब तहसीलदार अलीवार साहब का फोन आया था पुलिस के पास कि हमारे ऊपर पथराव हुआ है। हम लोग तत्काल पूरे फोर्स के साथ कालाकोट पहुंचे और वहां देखा कि तहसीलदार साहब की गाड़ी पे पथराव हुआ था और वो हमारा हम उनको लेके आए हैं, थाने उनको लिया है, अब उनका प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। सर, पुलिस पे भी हमला हुआ वहाँ पे? हाँ, हम तहसीलदार साहब को जब लेने गए थे तो पुलिस के वाहन पे भी पथराव हुआ था जिससे गाड़ी के शीशे टूटे। कितने पुलिस जवान गए हुए? 3 पुलिस जवानों को गंभीर चोटें आई हैं जिनका इलाज चल रहा है। नायब साहब को भी आई क्या चोट? सर, गरोड़ में महिला पंखा भाई पत्नी राजू बंजारा उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम पीपल खेड़ा को गरोड़ अस्पताल में डिलीवरी संभव न हो पाने और महिला की कंडीशन भी खराब होने की वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरोड़ से जिला अस्पताल मंदसौर के लिए रेफर किया गया था और सूचना मिलने पर गरोड़ थाने की 108 एम्बुलेंस महिला को लेने तुरंत पहुंच गई और महिला को लेकर मंदसौर जिला अस्पताल जा रही थी कि मंदसौर पहुंचने से पहले ही ग्राम चिरमोलिया के पास महिला को प्रसव पीड़ा अधिक होने लगी। महिला की स्थिति देखकर 108 में मौजूद ट्रेंड स्टाफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन शंकर सिंह चंद्रावत और पायलट राकेश कमलवा ने गाड़ी रास्ते में ही रोककर महिला का प्रसव कराने का निर्णय लिया और महिला का एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव कराया। महिला ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया है। महिला और बालक दोनों स्वस्थ और सुरक्षित है। बाद में जच्चा बच्चा दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के परिवार वालों ने 108 एम्बुलेंस के स्टाफ के कार्य की सराहना की है। रास्ते में डिलीवरी करवाई एम्बुलेंस कर्मचारियों ने, कैसा लगा? अच्छा लगा, 108 वाले ने अच्छी मेहनत की है, जो साथ था साथ में उसने अच्छी डिलीवरी करवाई है, नॉर्मल डिलीवरी वो भी सब, और जो भी हमने गरोड़ से किया था उन गरोड़ वाले ने क्या बोला के उन्होंने बोला कि नहीं, क्या मंदसौर ले जाओ एक बार, यहाँ डिलीवरी नहीं होगी, बच्चे बच्ची ने रेटिंग कर दिया, ऐसा है। फिर वहाँ से निकले शामगढ़ भी हमने चेकअप करवाया, शामगढ़ से भी उस लोगों ने बोला कि नहीं मंदसौर ले जाओ यहाँ पर डिलीवरी नहीं हो सकती। वहाँ से निकले हम सीतामढ़ी के आगे 5 किलोमीटर करीबन है, वहाँ के अंदर फिर रस्ते में डिलीवरी हो गई साहब, नॉर्मल डिलीवरी, अच्छी मेहनत की है तो साहब साथ में थे, उसने अच्छी कोशिश करते हुए उनका धन्यवाद है ऐसा काम करने से, सुरक्षा संभव थी। भानपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम सातलखेड़ी में सहेली के घर जा रही 15 वर्षीय बालिका को 2 युवकों ने दबोचकर एक आरोपी के घर के अंदर ले जाकर दुष्कर्म किया। भानपुरा थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मंगलवार 19 जनवरी की शाम करीब 7 बजे 15 वर्षीय बालिका समीप ही अपनी सहेली के घर कॉफी लेने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में विजय पिता मांगीलाल व जगदीश पिता शंकरलाल अहिरवार ने बालिका को दबोचकर मुंह चुन्नी से बांधकर विजय के घर अंदर ले गए। इस दौरान आरोपी के घर कोई नहीं था। दोनों आरोपियों ने बालिका के हाथ पैर बांध कर दोनों ने दुष्कर्म किया। बालिका की आवाज आने पर भाई व ग्रामीण मौके पर पहुंचे पर दोनों युवक पीछे के रास्ते से भाग निकले। पुलिस ने बुधवार की प्रातः करीब 4 बजे जगदीश कूस के घर से ही पकड़ लिया जबकि विजय भी फरार है।
पुलिस पूरी तत्परता के साथ फरार युवक की खोजबीन कर रही है। पुलिस ने धारा 376, 363, 366, 341, 506 एवं पोस्को एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। गरोट में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम एवं महिला सुरक्षा को समाज के केंद्र बिंदु पर लाने हेतु प्रदेश स्तरीय जन जागरूकता अभियान सम्मान का शुभारंभ किया गया। उसी तारतम्य में दिनांक 22 जनवरी को शासकीय हाई स्कूल बलोदा थाना गरोट में महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा हेतु जागरूक कर उन्हें कुछ कहो कहो कुछ करो समझदारी से नारे से अवगत कराकर विधि कानून प्रावधान के बारे में बताया। साथ ही पुलिस की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं महिला संबंधी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई तथा स्कूल जन जागरूकता संबंधित समान अभियान के तहत पोस्टर चस्पा किए गए तथा क्या आप है असली हीरो के पोस्टर के साथ फोटो लिए गए। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और अन्य ताजा खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको माता दाऊ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे आतुर दे चरा है मामला अब साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ छोड़ के मत दाओ एक नीरा बन जा रहा रे बन जा रहा रे।